हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना रूटीन, डेली रूटीन की मैं कैसे सब मैनेज करती हूँ। तो अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं बिल्कुल अपना पूरा काम करके रेडी हो चुकी हूँ किचन में। फिर मैं क्या करती हूँ जब तक ये लोग जाग जाएंगे, चलो चलते हैं किचन में। तो आप लोग लास्ट तक रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से ज़रूर कर देना। झाड़ू पोछा करने के बाद रेडी होकर मैं आ गई किचन में और किचन में बनाने लगी खाना। और मैंने एक साइड रख दिया दूध गर्म होने के लिए। तो यहाँ बना रही थी मैं सब्जी, सब्जी में बनाने वाली हूँ बैंगन आलू की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने सब्जी पहले ही चॉप करके रख दी थी, तो फटाफट यहाँ पर अपनी सब्जी छौंक रहे थे जब तक ये लोग सो रहे थे। जब तक ये लोग जागेंगे हमारी सब्जी बन जाएगी। आप लोग वीडियो में पूरा लास्ट तक रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से ज़रूर कर देना। और ये थी हमारी बैंगन आलू की सब्जी। तो मैंने अपनी सब्जी को बना लिया, रेडी कर लिया। अब तक महाई जाग गए हैं, महाई को सबसे पहले रेडी कर देते हैं फिर देखते हैं आगे। तो महाई आ गए नहा धोकर, यहाँ पर स्कूल जाने के लिए रेडी होंगे। तो फिर महाई का नाश्ता रेडी करेंगे। तो महाई के लिए यहाँ पर बना दिया मैंने सैंडविच। तो महाई अपना सैंडविच खा के अपने स्कूल जाएंगे रेडी होकर। माई सुबह जाते हैं फिर माई शाम को आ पाते हैं 4 बजे तक। आप क्या सोच रहे हैं कि इतना माई पढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि मैं चली जाती हूँ ना तो घर पे कोई होता नहीं, तो माई फिर बाद में ही आते जब मैं आती हूँ इसलिए। तो माई का ये यहाँ पर मैंने नाश्ता रेडी कर दिया जल्दी। तो सैंडविच बनाने के बाद माई के डैडी के लिए यहाँ बनाया आलू का पराठा, क्योंकि यहाँ शाम को आएंगे तो थोड़ा सुबह हैवी नाश्ता करते हैं इसलिए आलू पराठा बना दिया। क्योंकि शाम को ही आएंगे 4:30 तक, फिर तभी खाना खाएंगे, आके खाएं या ना खाएं फिर भी क्या पता नाश्ता ही कर लें इसलिए। तो यहाँ पर माई ने अपना नाश्ता कर लिया, माई अपने आप खुद ही खा रहा था। तो माई हो गया रेडी, अब माई जा रहा है स्कूल। माई के जाने के बाद मैंने जल्दी से अपना किचन साफ़ किया और बाकी काम किए, और यहाँ पर जल्दी से रेडी होकर अपना बैग लगाकर मैं भी निकल रही हूँ। और मैं जाती हूँ 10:30 बजे, ये लोग चले जाते हैं फिर मैं जाती हूँ। और आऊँगी शाम को, जब मैं आऊँगी तभी माही आएगा। कभी कभी मैं लेट भी हो जाती हूँ, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि माई की वजह से मैं जल्दी आ जाऊँ। तो ये मेरा डेली ब्लॉग है। रेडी होके मैं निकली, मैं पहुंच गई हॉस्पिटल, वहाँ पे मैंने अपना ऑफिस वर्क ख़त्म किया। और आज माही का फ़ोन भी आया था कि जल्दी आ जाओ, तो माही मुझे मिस कर रहा था, रो भी रहा था। तो आज मैं जल्दी आ गई और यहाँ पर देखिएगा मेरी माही की नौटंकी शुरू हो गई। कुछ कर लो मम्मा को। यहाँ पे हम लोगों ने एक दूसरे को भर भर के बहुत ज़्यादा प्यार किया है ना। माई अभी सो रहे होंगे, अपनी दादी घर पर सो के आए हैं अभी, है ना? सो रहे थे? अच्छा, आंटी भी सो रही थी। तो चलो माई के लिए कुछ खाना लाते हैं बना के, ठीक है, खाने के लिए। तो मिलते हैं अभी बाद में मिलती है, ठीक है। बाय बाय, लव यू। तो मैं आ गई, फिर शाम के बज गए थे 4:30 तक, माई के डैडी भी आने वाले थे। तो मैं जब तक यहाँ पर बना रही थी शाम का नाश्ता, तो यहाँ पर मैंने अपना पास्ता उबल गया था बस उसको निकालने वाले थे। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली थी पास्ता, और यहाँ पे मैं उसमें वो डालने वाली थी गार्लिक और का पेस्ट जो रेडीमेड मिलता है, उसका टेस्ट बहुत अलग आता है, एक बार आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने मसाले को अच्छे से भून लिया, उसके बाद मैंने रेडीमेड जो पेस्ट मंगाया हुआ था वो इसमें डाल दिया। ये रहा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये रेडीमेड आपको मिलेगा, कहीं से भी मिल जाएगा आपको, अगर ये डाल देते हैं इससे आपका और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर मेरा पास्ता बनकर रेडी है और माही ने यहाँ पर खाया पास्ता अपना, और हम लोगों ने अपनी चाय पी, और उसके बाद हम लोग निकल गए लॉन्ग ड्राइव पर। लॉन्ग ड्राइव पर कहाँ जा रहे हैं आप लोग देखते रहिएगा लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना।
शाम के 5 बजे हम लोग घूमने आए हुए थे यहाँ पर, 800 से आगे आए हुए हैं, बल्लापुर गांव है ये, तो यहाँ पर आए हुए थे। बस ऐसे ही, कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही निकले थे घूमने के लिए, क्योंकि माई बोल रहा था कहीं घूमने के लिए, इसलिए तो यहाँ पर हम लोगों ने गोलगप्पे खाए। माई ने बोला गोलगप्पे खाएंगे, तो ये आप देख, ये प्रॉपर बल्लापुर नहीं है, बल्लापुर से थोड़े से 1-2 किलोमीटर पीछे हैं। तो कहाँ जा रहे, चलो तुम चलो। माई मेरा बहुत इंजॉय कर रहा है यहाँ पे, आ गया बेटा मेरा। माई क्या खाने आए थे? बतासे। खा लिए? कैसे थे? अच्छा। अच्छे लग रहे थे? स्कूटी चला रहे? चला लो। तो यहाँ से मैं काफ़ी लेट निकली, यहाँ से बज गया था 7:30, और आते ही मैं लग गई अपने किचन में। मेरा आधा टाइम तो किचन में ही चला जाता है, और किचन में आते ही तो मैं बनाने लगी अपना शाम का डिनर। तो डिनर के लिए मैंने यहाँ पर अपने आधा कटोरी चावल को भिगोया, गोल्डन चावल थे इसलिए मैंने इनको भिगोया था आधा घंटे के लिए। और इसके बाद मैं बनाने वाली थी मटर पुलाव, तो यहाँ पर मेरा मटर पुलाव या वेज बिरयानी कुछ ही बोल सकते हो बनाने जा रही थी। अगर आप इसकी फुल रेसिपी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो, यहाँ पर आपको फुल रेसिपी मिल जाएगी। तो डिनर करने के बाद मैं गई किचन में, बर्तन धुले, किचन को साफ़ किया, और यहाँ किया दूध गरम। दूध गरम करने के बाद किचन का काम बिल्कुल ख़त्म। अब आ गए हैं यहाँ पर, माई का करवाया होमवर्क। होमवर्क करवाने के बाद बस सोने की आती है बारी। यही था हमारा आज का डेली ब्लॉग। आपको कैसा लगा एक बार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना, वो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, चैनल पर पहली बार विजिट किया है। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।